हेलो एवरीवन दिस इज नृताश चतुर्वेदी एंड वेलकम टू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज इजी लर्निंग सेवन और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तक हम लोगों ने कर लिए थे ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं तो जिन लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है एक बार लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्या बोल रहा है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है तो पता है आप लोगों को कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है एक सर्विस प्रोवाइड करती है जो कि स्टोरेज सर्वर डेटाबेस नेटवर्किंग ये सब का हमें क्या करती है एक सर्वर प्रोवाइड करती है सर्विस प्रोवाइड करती है क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है सर्विस प्रोवाइड करती है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है क्लाउड कंप्यूटिंग मीज प्रोवाइडिंग अ सर्विस अब ये सर्विस किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती है स्टोरेज की सर्वर की डेटाबेस की नेटवर्किंग की क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जाम्पल अगर बोला जाए जब जैसे कि आप लोग गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं हॉटस्टार यूज़ करते हैं ये सारे क्या है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के एक्जाम्पल है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है तो कहीं ना कहीं हमें क्या प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं सर्वर प्रोवाइड करते हैं एक डेटा प्रोवाइड करते हैं नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर टू बोल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग मीज स्टोरिंग डेटा इन अ डेटाबेस डेटाबेस को स्टोर करना ये सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है थर्ड ऑप्शन बोल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टूल ये टू यूज क्रिएट एन एप्लीकेशन एप्लीकेशन को क्रिएट करने का कोई टूल है नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग एक सर्विस uh, प्रोवाइड करने का तरीका है क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे स्टोरेज है सर्वर है नेटवर्किंग डेटाबेस एक्सेट्रा ठीक है अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर की जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसको स्टोर किसने किया क्लाउड uh, कंप्यूटिंग को एक तरह से फादर किसको बोला गया क्लाउड कंप्यूटिंग का तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जनक बोला जाए या क्लाउड कंप्यूटिंग के फादर बोला जाए या क्लाउड कंप्यूटिंग uh, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग को किसने डेवलप किया तो किसको मतलब क्रेडिट किसको जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग का तो जे ये नाम याद रखना जे सी आर ठीक है Uh, आपसे कुछ क्वेश्चन डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि फादर किसे बोला जाता है uh, किसको रिसर्चर बोला जाता है किसको डेवलपर बोला जाता है कौन उसके लिए मेन योगदान है तो जो जो क्वेश्चन है अगर आप उसको भी देख लेंगे तो वही तक ही पूछा जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट इन क्वेश्चन में शामिल हो जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप नहीं है ठीक है क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप नहीं है तो क्लाउड कंप्यूटिंग पब्लिक क्लाउड सर्वर होते हैं मतलब पब्लिकली हम लोगों को जैसे गूगल ड्राइव वगैरह प्राइवेट क्लाउड सर्वर होते हैं तो प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर होते हैं जो डेडिकेटेड पर्टिकुलर किसी भी पर, पर्टिकुलर रिलेटेड काम से बने होते हैं वो भी होते हैं मर्ज क्लाउड सर्वर इस तरीके का को कोई भी सर्वर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बोल रहा है विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें से क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर है इनमें से क्लाउड कंप्यूटिंग का कौन सा फीचर है तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बिल्कुल सही बात है क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें सिक्योरिटी मिलती है एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव का तो गूगल हमें सिक्योरिटी में प्रोवाइड करता है अवेलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है लार्ज नेटवर्क एक्सेस डेटा को लार्ज नंबर ऑफ डेटा हम लोग यहाँ पर स्टोर कर पाते हैं एक्सेस कर पाते हैं तो लार्ज नेटवर्क एक्सेस हमें मिल जाता है सही बात है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी देशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस इसमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का टाइप है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरीके की सर्विस है ये रहा है तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारी एक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या एक सॉफ्टवेयर है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है एक सॉफ्टवेयर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ठीक है तो ऑप्शन सी याद रखना तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एस एस सर्विस सर्विस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की तरफ चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें से कौन सी एप्लीकेशन है एडोप क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन है uh, बिल्कुल सही बात है पेपल क्लाउड uh, कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन है गूगल जी सूट क्लाउड कंप्यूटिंग की की एप्लीकेशन एप्लीकेशन है है तो तो पे सारी ही क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल ऑफ दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर की तरफ चल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड इसमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है एमेजॉन वेब सर्विस एमेजॉन वेब सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है सही बात है ड्रॉप बॉक्स क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है सही बात है उसके अलावा सिस्को वेब एक्स क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है तो ये सारे ही क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल है ऑल ऑफ दी एवर क्वेश्चन नंबर थर्टी की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी बोल रहा है एप्लीकेशन एंड सर्विसेज दैट रन द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूजिंग अ विजुलाइज्ड रिसोर्सेज इज नोन एज ठीक है तो ऐसे एप्लीकेशन जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की तरह यूज हो रहे हैं यानी एक ऐसा ऐसी सर्विसेज ऐसे एप्लीकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की तरह यूज़ हो रहे हैं और हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इस तरीके के जो नेटवर्क होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोगों को एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे वर्क करता है जो विजुलाइज रिसोर्सेस विजुलाइज़ जो रिसोर्स होते हैं यूजिंग विजुलाइज रिसोर्सेज इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग नहीं बोलते क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली है ही है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोगों को सर्विस एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर वर्क करता है ये ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्या बोल रहा है व्हाट इज मोबाइल कम्युनिकेशन तो मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है क्वेश्चन ये है तो मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है मोबाइल कम्युनिकेशन पहला ऑप्शन है अलाउ द कम अलाउ टू कम्युनिकेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम सही बात है मोबाइल जो कम्युनिकेशन होता है मोबाइल कम्युनिकेशन हम लोगों को विदाउट किसी फिजिकल मीडियम के डिफरेंट locations पर हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है पहली बात बिल्कुल सही है दूसरा है अलाउ द कम्युनिकेशन फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन विद द यूज ऑफ फिजिकल क्या आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से आपको कोई फिजिकल आ, मीडियम की जरूरत है यानी आप वायर लगाते हैं बात करने के लिए ऐसा तो नहीं है ना तो आपको विदाउट किसी फिजिकल मीडियम के हम लोग डिफरेंट लोकेशन पर कम्युनिकेशन कर पाते हैं तो विदाउट uh, है ना कि विद है तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा क्योंकि कि किसी फिजिकल यानी हमें किसी वायर और इस तरीके की जरूरत नहीं होती हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं कुछ ऑप्शन सी बोल रहा है अलाउ द कम्युनिकेट फ्रॉम सेम लोकेशन सेम लोकेशन पर ऐसा तो नहीं है क्या आप बात uh, सिर्फ अपनी सिटी में या अपनी लोकेशन पे ही कर पाते हैं किसी से कम्युनिकेशन डिफरेंट लोकेशन पर कर पाते हैं ना तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपनी लोकेशन पर कर पाते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा डी बोला अलाउड टू कम्युनिकेट फ्रॉम अ सेम लोकेशन यहाँ पे भी सेम लोकेशन की बात हो गई तो ये भी गलत हो जाएगा मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है मोबाइल कम्युनिकेशन हम लोगों को डिफरेंट लोकेशन में यानी कोई भी लोकेशन हो आप दिल्ली है कोई जयपुर है कोई अहमदाबाद है आप डिफरेंट लोकेशन पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं विदाउट किसी फिजिकल मीडियम के तो ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग क्लाउड मोबाइल कम्युनिकेशन बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू बोल रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है यहाँ पे वायरलेस uh, कम्युनिकेशन क्या क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है पहला है सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन विद द यूज ऑफ फिजिकल मीडियम वायरलेस कम्युनिकेशन में हम डेटा को सेंड uh, करते हैं वन लोकेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू विद द यूज ऑफ फिजिकल फिजिकल मीडियम में वायरलेस में फिजिकल मीडियम कहाँ से आ जाएगा वायरलेस है तो वायर के बिना कोई फिजिकल मीडियम तो नहीं आएगा ना तो ऑप्शन नहीं गलत हो गया दूसरा है सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डेटा को सेंड करना ठीक है विदाउट यूजिंग फिजिकल मीडियम किसी फिजिकल मीडियम की बिना जरूरत के फिजिकल मीडियम का मतलब है हम किसी वायर या फिजिकल डिवाइस के बिना कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं यही वायरलेस कम्युनिकेशन है तो ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा बोल रहा है सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर डेटा को सेंड करना विदाउट द यूज ऑफ वर्चुअल मीडियम किसी वर्चुअल मीडियम के वर्चुअल मीडियम तो होगा ना कोई ना कोई मीडियम है लेकिन वो वायरलेस मीडियम है ना कि वायर्ड मीडियम है मतलब वहां पे कोई फिजिकल डिवाइस की नीड नहीं है फिजिकल डिवाइस के बिना हम लोग कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर यहां पर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है क्योंकि बी में क्या बोल रहा है सेंडिंग डेटा यानी डेटा को सेंड करना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर विदाउट यूज द फिजिकल मीडियम हम किसी फिजिकल मीडियम के बिना जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो डेटा सेंड कर रहे हैं

सीरियसली वो क्वेश्चन जो ज्यादा ज्यादा बड़े होते हैं वो क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं बस वहां प्रॉब्लम कहाँ आती है लैंग्वेज की कि आपको क्वेश्चन समझने में मतलब उसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है या आ, आप बड़ा देख के ये समझते हैं ये क्वेश्चन टफ होगा लेकिन वो क्वेश्चन एक्चुअल में सिंपल होता है उसको पढ़ने वो क्वेश्चन दिया इसलिए गया है कि आपको पढ़ा पढ़ने में टाइम कंज्यूम हो तो उस क्वेश्चन को कभी ना छोड़ें वो क्वेश्चन पढ़ के देखें वो ईजी होगा ठीक है ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बड़े क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं और छोटे क्वेश्चंस

कोई भी एग्जाम है डजन मीन कि आपका ये एग्जाम है कोई भी एग्जाम है कोई भी सब्जेक्ट है आपने अपना एक बार सिलेबस देखा सिलेबस में आपने गो थ्रू कर लिया कि क्या क्या है आपने वो पढ़ लिया इन डिटेल पढ़ लिया एक महीने दो महीने आपने पढ़ लिया अब आपको ऑलमोस्ट जो आपका बेसिक नॉलेज है जो आपको पढ़ना है वो आपने पढ़ लिया लेकिन अब आपको मेन काम करना है क्वेश्चन के ऊपर तो क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा वीडियो सुनो और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको एक तो क्वेश्चन से क्या होगा आपका रिविजन हो रहा है उन टॉपिक्स का प्लस आपको ड्रॉ होगा एग्जाम्पल क्या होता है पेन क्या होता है वैन क्या होता है अब क्वेश्चन किस तरीके से ड्रॉ हुआ वो आपको ऐसे समझ आएंगे ठीक है ना तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि आप डेली सौ क्वेश्चन पांच क्वेश्चन लगा रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप चाहे वीडियोस देखो और जो वीडियोस में आपको क्वेश्चंस में दिक्कत है आपको लगता है यहाँ इम्पोर्टेंट है खुद से पता चल जाता है तो उन क्वेश्चंस को लिख लो उस वीडियो को सेव कर लो मेरी जरूरी नहीं है मेरे चैनल से ही पढ़ो कहीं से भी तो उसको एक बार जैसे आज मैंने कुछ पढ़ाया तो आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम टाइम में रिवीजन की जरूरत है तो आप उसको सेव कर लो जिससे आपका एक वीडियो देख के रिवीजन हो जाएगा आजकल तो बहुत सिंपल वे है कि आपने कोई चीज पढ़ी आपको समझ में आ गई आपने आप उसको सेव कर लो कि पेपर टाइम में हम लोग वो चीज जल्दी जल्दी कर जाएंगे हमें रिवीजन इस तरीके से हम रिवीजन कर जाएंगे तो ये बेस्ट तरीका होता है कि चलते फिरते हम वीडियो भी सुन रहे हैं चलते फिरते हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हम एक बार पूरा सिलेबस इन डिटेल पढ़ने के बाद ये काम करना जरूरी है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन का इसमें से टाइप क्या है तो लैन है वैन है पेन है ऑल ऑफ द मैशन तो इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन की जो टाइप है वो हमारे सारे ही है लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑल ऑफ दी मैशन तो वायरलेस जो विदाउट किसी फिजिकल मीडियम से कम्युनिकेशन करता है उसको हम वायरलेस मीडियम बोलते हैं जैसे लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया एरिया नेटवर्क नेटवर्क कैंपस ये सारे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इसमें से वायरलेस कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है देखो वाईफाई वायरलेस का एग्जाम्पल है बिल्कुल है उसके अलावा मोबाइल भी वायरलेस के एग्जाम्पल है लैंडलाइन तो लैंडलाइन में क्या होता है फिजिकल डिवाइस की जरूरत होती है यानी आपको एक फिजिकल वायर की फिजिकल नीड की जरूरत होती है तो जो लैंडलाइन है वो हमारा वायर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है ना कि वायरलेस का ठीक है तो ये हमारा यहाँ पर यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वायरलेस कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है तो लैंडलाइन हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा

दूसरा है लोअर द कॉस्ट ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट लोअर आती है वायरलेस में सही बात है कि वायर के कंपैरिजन में वायरलेस सस्ता पड़ता है सर्विसेज मोर इन एक्सपेंसिव हो जाती है मोर सही बात है तो यहाँ पे तीनों ही बातें सही है इसीलिए ऑल ऑफ दी मेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ 35 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं आई नो कि मैंने क्वेश्चंस कम कराए हैं वो उसका रीजन है कि देखो बहुत लंबा गैप हो चुका था वीडियोस में तो दिस इज़ ओनली कि मैं ये आज से आपकी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ सिर्फ अगर मैं एक आपकी इंटर एक वापस से एक वीडियो इस तरीके की बनाती कि हेलो एवरीवन आज से हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कल से एक लेक्चर होगा तो उसमें आपको मज़ा नहीं आता तो मैंने पहले पढ़ा दिया उसके बाद मैं ये बात बता रही हूँ कि हाँ अभी बहुत लंबा गैप हो गया था दिवाली का मेरे घर में डेथ भी हो गई थी मुझे वो सब नहीं बताना है। बस आज से क्लास स्टार्ट हो रही है और अभी मैंने क्वेश्चंस कम कराए हैं क्वेश्चंस मैं आपको कंटिन्यू बहुत सारे कराने वाली हूँ जैसा कि अभी बताया आप लोगों को पता है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के ये क्लासेस हो रही है और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम देखो अभी तक कोई डेट नहीं आई है मैं, मेरा प्रिडिक्शन था कि दिसंबर में क्योंकि बहुत सारे सोर्स बोल रहे थे कि नवंबर दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा बट अभी तक कोई डेट नहीं आई है तो होप एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है देखो जनवरी में हो जाए फरवरी में हो जाए लेकिन देखो आप कंटिन्यू तैयारी करो लेकिन एग्जाम ज्यादा डिले भी नहीं होगा इतना तो मैं श्योर हूँ कि एक दो महीने में आपकी डेट्स आई जाएंगी एग्जाम ज्यादा डिले नहीं होगा आपके लिए वेल गुड है कि आप लोगों को टाइम बहुत ज्यादा मिल चुका है और आप लोगों ने अपनी तैयारी भी अच्छी खासी कर दी होगी तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन क्लासेस कि आप लोगों के क्वेश्चंस पर मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी एक बार रिविजन कर लो तैयारी करते रहो क्योंकि सिलेक्शन देखो उसी का होता है जो अपनी कंटिन्यू तैयारी करता है चाहे आप दो घंटे दस चार घंटे पढ़ो पर पढ़ते रहो जी कंटिन्यू करते रहो क्योंकि भूल जाओगे फिर आपको ये लगेगा कि ये लोग जानबूझ के ही एक्चुअल में ऐसा करते हैं आप मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में यही हो रहा है कि नोटिफिकेशन निकाला डेट नहीं निकाल रहे एग्जाम की फिर एक साल बाद डेट निकाल रहे तब तक स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करना छोड़ दिया होता है और फिर एट द एंड आके जब डेट आ जाती है तो सब सीरियस की तरह पागलों की तरह भागते हैं तो एक्चुअल में आप खुद देखो एक व्यक्ति एक पर्सन जो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है बिल्कुल पढ़ रहा है और एक पर्सन जिसने एग्जाम की नोटिफिकेशन आने पर दो तीन महीने पढ़ाई की बीच में बिल्कुल छोड़ दिया और एक साल बाद एग्जाम आ गया और वो पंद्रह दिन बीस दिन पहले एक महीने पहले पढ़ रहा है तो बीच में जो पांच छह महीने का गैप उसने किया उसका सिलेक्शन होगा या जो लगातार पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होगा आप खुद सोच के देखो तो तैयारी अब अभी भी आपके पास वक्त है आप वापस से थोड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दो देखो दिवाली निकल गई फेस्टिवल निकल गया सब इशू हो चुके हैं ठीक है तो अब थोड़ा सा जोश में आ जाओ क्योंकि एग्जाम देखो कभी भी हो जाएगा और सिलेक्शन तो सभी को लेना है और आपको ये तो नहीं ये तो नहीं होगा ना कि चार साल बाद एग्जाम कराएंगे ये लोग इतना तो नहीं लेट डिले होगा या सर दो तीन महीने में एग्जाम करा देंगे इतना तो आपको भी पता है कि तो थोड़ा जोश में आ जाओ जो, थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट कर दो ऑल द वेरी बेस्ट अब हम लोग डेली क्लास स्टार्ट करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी बीच में जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और ऐसा बिल्कुल ना हो तो आई विल ट्राई माई बेस्ट आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिख गुड बैन हवा डे